नहीं हुआ नहीं है। क्या दिक्कत हुआ? 11 बजे से जमा किया, अभी तक उनको रसीद मिल रहा है। अच्छा, डंडा उल्टी उड़ा रहा है लो बार बार सभी का। आपके अपने यूट्यूब चैनल गोपालगंज फोकस में तो हम पहुंच चुके हैं गोपालगंज के कलेक्ट्रेट में, गोपालगंज कलेक्ट्रेट में पहुंच गए हैं और यहां पे दिखाते हैं कि बहुत ही ज़्यादा संख्या में भीड़ लगी हुई है नीलामी का फॉर्म भरने के लिए। और जो भी नीलामी का फॉर्म नहीं भरे हैं तो आज लास्ट डेट है, आप आके फॉर्म भर सकते हैं नीलामी का और एक से एक बेहतरीन गाड़ी इस नीलामी में भाग लेके खरीद सकते हैं। तो अभी हम मौजूद हैं कलेक्ट्रेट में, गोपालगंज कलेक्ट्रेट में, और आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारा ये भीड़ जो आपको दिखाई दे रहा है ये नीलामी में जो प्रतिभागी भाग लिए हैं, नीलामी के प्रतिभागी जो भाग लिए हैं उन्हीं के लिए ये भीड़ है। और जो भी नए प्रतिभागी भाग ले रहे हैं इस बार नीलामी में वो बहुत ही बेहतरीन गाड़ियाँ जो गाड़ी देख लिए हैं वही उन गाड़ियों को फॉर्म भी भर रहे हैं। आप भारत के किसी भी राज्य के निवासी हो आप नीलामी में भाग ले सकते हैं और गोपालगंज में आके बेहतरीन से बेहतरीन गाड़ी खरीद सकते हैं। फॉर्म जमा हो रहा है तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना भीड़ लगा हुआ है फॉर्म के लिए। जो नीलामी में सस्ती सस्ती गाड़ी आप लोग खरीदने का जो भी लोग नीलामी में फॉर्म भर रहे हैं तो आप लोग उत्पाद जिला उत्पाद कार्यालय में आके फॉर्म जमा कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही भीड़ लगा हुआ है यहाँ पे। तो आइए किसी प्रतिभागी से आपको मिलवाते हैं, नीलामी के लिए भर रहे हैं। आपका नाम क्या है? हमारा विशाल कुमार मिश्रा हुआ। अच्छा, कितने गाड़ियों का फॉर्म भरे आपने? हम 7 गाड़ी का भरे। 7 गाड़ी का फॉर्म भरे हैं। तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ, परेशानी हुआ यहाँ पे? परेशानी हुआ नहीं है। क्या दिक्कत हुआ? 11 बजे से जमा किया, अभी तक उनको रसीद मिल रहा है। अच्छा, डंडा उल्टी उड़ा रहा है लो बार बार। तो आपको DD बनवाने या कोई समस्या तो नहीं हुआ? ना, DD तो बनवाने में क्या है, बैंक से बनवाना है तो उसमें क्या समस्या होगा। तो कौन कौन गाड़ी लेना चाहते हैं इस बार नीलामी में, जो नीलामी हो रही है कौन कौन सा गाड़ी लेना चाहते हैं? डाले हैं, 7 को डाले हैं, जो अच्छा इसमें है हमको देखे हैं उसको डाले हैं। तो 7 गाड़ी आप लेंगे? हाँ लेंगे, तो वही दाम में मिलेगा। कहाँ से आए हुए हैं नीलामी? गोपालगंज से ही। गोपालगंज से ही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने नीलामी भाग लिया। चलिए फॉर्म भर लिया है और आपको बता दूं कि इसके साथ आधार कार्ड भी लगाना है। और ये देखिए मैंने DD बनवा लिया है, आप DD भी मैंने बनवा लिया है। ये देखिए 98,000 का DD है, यहाँ पे देख सकते हैं 98,000 का DD है। और आप भी नीलामी में शामिल होने के लिए आपको यही कलेक्ट्रेट में आना होता है फॉर्म भरने के लिए, तो आप भी नीलामी का हिस्सा एक बन सकते हैं और बेहतरीन से बेहतरीन गाड़ी खरीद सकते हैं। तो आप भी नीलामी में आए। तो चलिए अब जल्दी जल्दी हम कमेंट पढ़ लेते हैं। सीताराम सोमोसे का कमेंट है, पेपर मिलता है क्या? हाँ बिल्कुल, पेपर मिलता है, जैसे कि मैंने एक वीडियो में दिखाया हुआ, आप लोग जाके देख सकते हैं। गाड़ी आप लोग नीलामी से, जैसे मैंने गाड़ी 5 गाड़ियां खरीदा है तो पेपर मिलता है, जो आपको एक्साइज सुपरिटेंडेंट के द्वारा पेपर वो मिलता है। और बता तो भाई स्कॉर्पियो लेना है कब भर, समझ में नहीं आ रहा इनका कमेंट। भाई स्कॉर्पियो लेना है, फॉर्म कब भरा जाएगा? आप लोग 5 तारीख तक फॉर्म गोपालगंज में भर सकते हैं। भैया जी UP में कब नीलामी होगी इसकी अपडेट दीजिए प्लीज भैया प्लीज, राहुल जी कमेंट कर रहे हैं। तो आपको मैं राहुल जी बता दूं कि जब भी ऐसा यूपी में होता है सूचना तो हम बिल्कुल वहां का आपको अपडेट देंगे नीलामी से। और बता दूं कि बिहार का ऐसा पहला चैनल है जो नीलामी के रिलेटेड सबसे पहले और सटीक जानकारी देता है। और भोलू द्विवेदी कमेंट कर रहे हैं, अपाची RTR व्हाइट का प्राइस क्या है? तो प्राइस डिस्क्रिप्शन से आप लोग लिस्ट भी देख, मैंने गाड़ी का प्राइस बताया है, उसका कीमत जो अपाची कुचायकोट में लगी है उसका कीमत 15,000 रुपया है। शुभम कमेंट कर रहे हैं बोलोरो, समझ में नहीं आया बोलोरो सिर्फ लिखे हैं। उसके बाद किशन शर्मा कमेंट कर रहे हैं, सर अपना नंबर दीजिए प्लीज सर। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया हुआ है, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, PDF भेज दीजिए इस नंबर पे। मफूज आलम कमेंट कर रहे हैं, मफूज आलम जी आपको PDF, आप जितने लोग भी हमको व्हाट्सएप से भी जुड़े हुए हैं उनको हम PDF भेज देते हैं। दीपांकर पटेल कमेंट कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस का खर्चा भी बताइए, बाइक कार का जरा सा भी प्लीज। तो रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के खर्चा जो आप लोग गाड़ी नीलामी से खरीदते हैं उसका आपको 10% रजिस्ट्रेशन का लगता है। जैसे मान लीजिए 17,000 का गाड़ी खरीदे हैं तो उसका 10% आपको रजिस्ट्रेशन का चार्ज लगेगा। और इंश्योरेंस का खर्चा एक साल का आप लोग
जितना जैसे मान लीजिए कि उसमें इंश्योरेंस का खर्चा आप लोग 2000 या 1500 में आपका इंश्योरेंस का खर्चा हो जाता है। जैसे मोटरसाइकिल लेते हैं और फोर व्हीलर लेते हैं तो उसका इंश्योरेंस का खर्चा 4000 से 5000 है। एमडी शमशेर, गाड़ी चालू कंडीशन में होगा या नहीं? तो जैसे गाड़ियां रखी हुई हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा खर्चा लगता है। मुन्ना कुमार कमेंट कर रहे हैं, सर नीलामी का लिस्ट कहां पर मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में आप लोग लिस्ट डाउनलोड कर लीजिएगा और हमने फॉर्म भी बता रखा है, फॉर्म भी डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में, फॉर्म भी डाउनलोड हो जाएगा। यादव राजू, क्या यूपी के लोग इसमें हिस्सा कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। एसके सरस्वत, थैंक्स फॉर इंफॉर्मेशन। हाँ बिल्कुल, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। गुड्डू पांडे कमेंट कर रहे हैं, यूपी में ट्रांसफर हो जाएगा? हाँ बिल्कुल ट्रांसफर हो जाएगा। गुड्डू पांडे, बिहार का गाड़ी यूपी में रजिस्ट्रेशन? श्याम नारायण कुशवाहा कमेंट कर रहे हैं, मेरे को चाहिए नंबर भेज दो। नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग ले लीजिएगा। अमन अंसारी कमेंट कर रहे हैं कि सर मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, मेरा नाम पर हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, आपके जो नीलामी में भाग लेते हैं उनके ही नाम से गाड़ी होती है। सौरभ बनर्जी कमेंट कर रहे हैं, सर अपना नंबर दीजिए, आपसे बात करके कुछ पूछना था। तो मैंने नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां से आप लोग ले लीजिएगा। किशन शर्मा कमेंट कर, मुझे महिंद्रा पिकअप लेना है, प्लीज मेरी हेल्प करिए। महिंद्रा पिकअप मैंने दिखाया है, नीलामी की लिस्ट में भी है, आप लोग अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। चलिए अब दूसरा कमेंट पढ़ लेते हैं। मनीष कुमार का कमेंट है, सर गाड़ी खरीदने के बाद और क्या क्या खर्चा लगता है? गाड़ी खरीदने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस खुद के पैसे से करवाना होता है। पवन सिंह कमेंट कर रहे हैं, सर यूपी कुरियर हो सकते हैं? समझ में नहीं आया आपका कमेंट, कुरियर मतलब क्या समझ में नहीं आया। मुन्ना सहनी कमेंट कर रहे हैं, ये कितना साल का परमिट लाइफ मिलेगा नीलामी की गाड़ी अगर खरीदनी जाएगी, इसका भी जानकारी दीजिए। आपको यहाँ से एक कागज मिलता है, उससे आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, आप जितना दिन तक मतलब उसका इंश्योरेंस कराते हैं उतना दिन आप इंश्योरेंस से उस गाड़ी को चला सकते हैं। डॉक्टर आजाद आलम कमेंट कर रहे हैं, भाई हमको लेना है, तो आके नीलामी में भाग लेके 7 फरवरी को ले सकते हैं। आजाद आलम जी। अभिषेक कुमार कमेंट कर रहे हैं, प्राइज लिस्ट डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा। सिंगर अभिजीत कुमार यादव कमेंट कर रहे हैं, मधुबनी जिला में नीलामी कब होगा, वीडियो बनाओ ना। जब भी मधुबनी जिला का आएगा हम कमेंट बॉक्स में। सिंगर अभिजीत कुमार यादव कमेंट कर रहे हैं, मधुबनी जिला का नीलामी कब होगा, वीडियो बनाओ ना। जब भी नीलामी मधुबनी का होगा हम वीडियो बना देंगे। चलिए लक्ष्मण कुमार सोरेन कमेंट कर रहे हैं, दूसरा जिला का डीडी कैसे बनाए? हम कटिहार से हूँ। आप अपने बैंक में जाके डीडी बनवा सकते हैं, आपका कटिहार के हों, जहाँ के भी आप निवासी हों, जिस बैंक में आपका अकाउंट है, जिस भी जिला से हो। जैसे आप मान लीजिए लक्ष्मण सुरन जी आप कटिहार जिला के हैं, तो आपका जिस बैंक में खाता है वहां से जाके आप डीडी बनवा सकते हैं एक्साइज सुप्रिंटेंडेंट गोपालगंज के नाम से। अगर हाजीपुर में भाग ले रहे हैं तो अनुमंडल पदाधिकारी वैशाली के नाम से आप डीडी बनवा सकते हैं। इंडियन सौरभ कमेंट कर रहे हैं, शर्मा जी एक गाड़ी तो मुझे भी लेना है, डर मेरे घर के कोई गार्जियन नहीं है, हम दुबई में हैं, क्या करें, कोई सुझाव दीजिए। इंडियन इन सऊदी अरबिया इनका नाम लिखा गया है, तो आप दुबई से आइए, उसके बाद ही आप नीलामी में भाग लेके गाड़ी खरीद सकते हैं। अजय उमर कमेंट कर रहे हैं, और पिकअप का भी रेट क्या होगा, पैसा भेज के ले सकते हैं? तो हमको क्यों पैसा भेजिएगा, आपको आके कलेक्ट्रेट में फॉर्म भरना है उत्पाद कार्यालय में, वहां से आप आके गाड़ी पिकअप यहाँ से निरीक्षण कर लीजिए, उसके बाद पिकअप खरीद सकते हैं।